हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स इन अ बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री में हमें स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स को निकालना है। अब पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन अ बाइनरी ट्री वेयर नोड वैल्यूज आर डिजिट्स 1 to 9, मतलब नोड की जो वैल्यूज होगी वो 1 से लेकर 9 तक की होगी। अ पाथ इन द बाइनरी ट्री इज सेड टू बी स्यूडो पैलिंड्रोमिक If at least one permutation of the node values in the path is palindrome, मतलब pseudo palindromic कब होगा? जब एक जो permutation होगा ना node values path का वो palindrome होगा। अब ये हम समझते हैं। Return the number of palindromic paths going from root node to leaf node, मतलब जितने भी pseudo palindromic path होंगे root से leaf तक के हमें उनके numbers बताने हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये tree है, ठीक है। अब मैं पहले तुम्हें बताती हूँ कि स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ का, इनका यहाँ पे जो स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ इन्होंने बोल रखा है इसका मतलब क्या है। तो यार देखो, अगर मैं रूट से चलना शुरू करूँ, मैं रूट से चलना शुरू किया मैंने, फिर मैं आगे गई, क्या ये लीफ नोड है? नहीं है। फिर मैं आगे गई, क्या ये लीफ नोड है? हाँ है। लीफ नोड कौन सी होती है? जिसका लेफ्ट भी नल होता है, जिसका राइट भी नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या क्या नोड आई? देखो यहाँ पे हमारा जो नंबर बना, यहाँ पे हमारा जो नंबर बना वो क्या बना? 233 बना, बिल्कुल बना 233। अब मैं क्या करती हूँ, इस नंबर को ना अरेंज करती हूँ, मतलब इस नंबर को रीअरेंज करती हूँ और 323 में चेंज कर देती हूँ। किस में चेंज कर देती हूँ? 323 में। तो ये नंबर पैलिंड्रोम है, ये नंबर क्या है? पैलिंड्रोम है, ठीक है। और ये नंबर को जब मैंने रीअरेंज किया तो ये एक परम्यूटेशन हुआ ना, ये तो एक परम्यूटेशन हुआ। किस नंबर का? इस वाले नंबर का, ठीक है। तो अब देखो, ये जो नंबर हम बना के लेके आए वो रूट टू लीफ पाथ में आया था, रूट टू लीफ तक के पाथ में बना था, ठीक है। प्लस इसको जब हमने परम्यूटेट कराया तो उसका एक परम्यूटेशन क्या निकला? पैलिंड्रोम निकला। तो ये क्या है? ये हमारा स्यूडो पैलिंड्रोमिक है। ये जो नंबर बना वो किससे बना? हमारे स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ से बना है, ठीक है। स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ से बना है। तो यार देखो, एक पाथ तो ये आ गया। अब मैं ना वापस इस रूट से मैंने चालू किया, मैं यहाँ पे आ गई, फिर मैं यहाँ पे आ गई, क्या नंबर बना हमारे पास में? 211 बना। इसको मैंने परम्यूटेट करवाया, क्या आ गया? 121 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? 121 आ गया। तो देखो हमारे पास दूसरा स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ आ गया। तो जब ये ट्री हमारे पास है तो कितने स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है हमारे? 2 है। इसका आंसर क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम प्रॉब्लम की अप्रोच को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम रूट टू लीफ तक में तो जो भी नंबर हमारा बनेगा उसको तो हम इजीली ला सकते हैं। पर अब बात होती है कि इस नंबर का एक परम्यूटेशन निकालना, और वो परम्यूटेशन भी कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोम होना चाहिए, इसको देखने की बात होती है। तो यार एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे ना, देखो नंबर कितनी लेंथ का, ये नंबर कितनी लेंथ का, अगर मैं नंबर की लेंथ की बात करूँ तो क्या हो सकती है? ऑड लेंथ हो सकती है, और क्या हो सकती है? इवन लेंथ हो सकती है, दोनों हो सकती है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारी ऑड लेंथ का नंबर क्या बन सकता है, ये देख लो, 233 बन सकता है मान लो, ठीक है, ये बन सकता है रूट टू लीफ में। इवन लेंथ का नंबर क्या बन सकता है? मान लो कुछ 2233 बन जाए तुम्हारा, बन सकता है। अब देखो ये नंबर तो हमने बना लिया, इसको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? बिट लेते हैं, एक बिट पैटर्न लेंगे। क्या लेंगे? बिट पैटर्न लेंगे। कितना? 32 बिट पैटर्न लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो ये कुछ बिट्स हैं हमारी, ठीक है, ये हमारा 32 बिट पैटर्न है, ठीक है। ये कहाँ पे? ये हमारा 0 वाली इंडेक्स पे रखा हुआ है, ये 1 वाली इंडेक्स पे, ये 2 वाली इंडेक्स पे, ये 3 वाली पे, ये हमारा 31, ये रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक बिट पैटर्न हमने ले लिया।
अब है ना देखो मुझे क्या मिला, मुझे ऑड की बात कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे किसकी बात करती हूँ, ऑड की बात करती हूँ। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 2 है, तो मैंने क्या करा दिया, और यहाँ पे ये सारी बिट्स 0 है इनिशियली, ठीक है, ये सारी बिट्स क्या है, 0 है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या मिला, 2 मिला, तो मैंने इस 2 वाली बिट को टॉगल करा दिया, 2 वाली बिट को टॉगल करा के क्या करा दिया, 1 करा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हम इसमें और आगे बढ़े, हमें 3 मिला, तो हमने 3 वाली बिट को टॉगल करा के क्या करा दिया, 1 करा दिया, अच्छी बात है। हम फिर आगे बढ़े, देखो दोबारा से हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया, दोबारा से हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। हमने इसको टॉगल करा के क्या करा दिया, 0 करा दिया, हमने इसको टॉगल करा के क्या करा दिया, 0 करा दिया। तो अब देखो ये जो 32 बिट पैटर्न है, इसमें केवल एक बिट सेट बिट है, मतलब एक बिट ऑन है, एक बिट ऑन है, ठीक है। तो यार ये बात समझ में आती है, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जब भी ऑड लेंथ की स्ट्रिंग हो, जब भी ऑड लेंथ का नंबर आए हमारे पास में और उसकी एक बिट ऑन हो, उसकी एक बिट ऑन हो, तो मतलब क्या है, वो हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम है। वो क्या है, हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम है। अब तुम बोलोगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, तो मान लो चलो ठीक है मैं ऐसा नहीं कह सकती। अब देखो मान लो मेरे पास कोई नंबर है 2 3 5, क्या देखने में इसका कोई भी परम्यूटेशन पैलिंड्रोम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब हम वही 32 बिट पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, ये हमने, ये हमने 32 बिट पैटर्न ले लिया। अब देखो मेरा पहली डिजिट क्या है, 2 है, मैंने इसको क्या करा दिया, ऑन करा दिया, टॉगल करा दिया, ठीक है। दूसरी क्या है, 3 है, तो ये थर्ड प्लेस पे जो बिट रखी हुई है उसको मैंने टॉगल करा दिया। फिर क्या है, 5 है, तो इस फिफ्थ वाली बिट को मैंने क्या करा दिया, टॉगल करा दिया। देखो यहाँ पे तो मोर देन वन, यहाँ पे तो मोर देन वन बिट ऑन है, मतलब ये नंबर कभी भी स्यूडो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, ये हमारा कभी भी स्यूडो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे थे, जो सेम बिट आ रही थी उनको तो दोबारा से ऑफ कर रहे थे। तो अब देखो अगर ऑड लेंथ का कोई परम्यूटेशन है, मतलब मान लो ऑड लेंथ का कोई पैलिंड्रोम लिखूं, तो यार इसकी बिट, अगर इसकी बिट और इसकी बिट, मतलब अगर मैं 0 1 वाली बिट की बात करूं, मैं यहाँ पे 1 वाली बिट की बात करूं, तो मैं पहले कहाँ आई, मैं है ना 1 वाली, मेरे को पहली बार 1 मिला तो मैं 0 से कहाँ पहुंची, 0 से मैं 1 पे पहुंची, ठीक है। फिर मुझे दोबारा से 1 मिल गया तो मैं वापस 0, मतलब जिस स्टेट से आई थी दोबारा से उसी स्टेट में पहुंच गई, मतलब इस 1 का कहीं ना कहीं डुप्लीकेट मुझे मिला है, 1 का मेरे को डुप्लीकेट मिला है, ठीक है। अब ये 2 आया, तो यार देखो जब तुम्हारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये दोनों मैच हो गए, तो ये अकेला ही तो था अलग, तो ये क्या है, ये हमारा ऑड पैलिंड्रोम है, ऑड पैलिंड्रोम है, ठीक है। और वैसे भी तो यहाँ पे परम्यूटेशन दिया हुआ है, तो नंबर तो हम अरेंज करा ही सकते हैं उस हिसाब से, जैसे 233 को हमने अरेंज करा दिया किसमें, 323 में, ये क्या बन गया हमारा पैलिंड्रोम बन गया, ये क्या बन गया हमारा पैलिंड्रोम बन गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करती हूँ ईवन के केस की, तो देखना मैं यहाँ पे वही 32 बिट पैटर्न लूंगी अपना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 32 बिट पैटर्न लिया, मैं इवन की बात करती हूँ, पहली डिजिट क्या है, 2 है, तो मैंने क्या किया, ये 2 वाली बिट को ऑन करा दिया। दूसरी डिजिट क्या है, दोबारा से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, तो यार मैं वापस इसको क्या करा देती हूँ, टॉगल करा देती हूँ, ऑफ करा देती हूँ, ठीक है। फिर मुझे 3 मिल गया, मैंने क्या किया, 3 वाली बिट को ऑन करा दिया। दोबारा से मुझे 3 मिल गया, तो मैंने क्या करा दिया, देखो यार ये बिट पैटर्न तो क्या रह गया, 0 ही रह गया, मतलब हमने बिट पैटर्न 0 से शुरू किया था, बिट्स को टॉगल कराया हमने, और फिर दोबारा से हमें क्या मिल गया, 0 ही मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इवन लेंथ का नंबर है, इवन लेंथ नंबर है, और क्या है, स्यूडो पैलिंड्रोम है, और क्या है, स्यूडो
पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखो हम है ना जीरो वाली बिट को नंबर मिलने पे वन बना रहे थे, और अगर दोबारा से वो नंबर मिल जाता था तो हम इसे दोबारा से क्या बना रहे थे, जीरो बना रहे थे। इसका मतलब सेम नंबर हमारे पास वापस से आ गया। तो यार अगर हमारे पास इवन लेंथ का नंबर है और अगर वो नंबर दोबारा से आ गया, ठीक है, तो मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट नंबर्स थे वो दोबारा से वापस से आ गए उस नंबर में, तो यार वो तो अपने आप को कैंसिल करवा के पूरा नंबर जीरो बना देंगे ना, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम आ गया। तो यार अब तुम समझ रहे हो कितना इजी कर दिया हमने। हम पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद में उसको उसका परम्यूटेशन लाते, फिर उसको पैलिंड्रोम चेक करते, और यहाँ पे हमने बिट्स का यूज करके इजीली क्या कर दिया, हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दी कि यार क्या करो, जैसे जैसे तुम्हें नंबर मिलता जाए उस बिट को टॉगल कराते जाओ, ठीक है, समझ रहे हो। और मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि ये टॉगलिंग काम क्यों आई, इस टॉगलिंग से हमें स्यूडो पैलिंड्रोम आखिर मिला कैसे, मैंने ये भी तुम्हें यहाँ पे समझाया। तो देखो इसमें समझने की इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि एक तो रूट टू लीफ में हमें नंबर लेके आना है, फिर उसको देखना है कि वो ऑड है या इवन है, और फिर उसके बिट पैटर्न से हम क्या निकाल के लेके आते हैं, कंक्लूड करते हैं कि वो स्यूडो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है, ये बात सही लगती है हमें। तो अब बात आती है टॉगलिंग की कि यार ठीक है टॉगल कैसे करेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा क्या कि हम टॉगल कैसे करेंगे, बिल्कुल आता है। तो यार देखो इनिशियली तुम्हारे पास पैटर्न क्या है, पैटर्न तुम्हारे पास कुछ 0000 का पैटर्न है, ठीक है। मान लो तुम्हारा नंबर क्या है 233 है, ठीक है, जो नंबर मन क्या है वो क्या है, मतलब डिजिट्स क्या आ रही है रूट टू लीफ में, ये रूट टू लीफ की बात कर रही हूँ, तो 233 आ गई। तो मैंने मेरी मतलब मान लो पहले रूट की वैल्यू 2 आई, क्या आई 2 आई, अच्छी बात है। अब मैं आप इनको नंबर दे देती हूँ 0 1 2 3 4 5, तो मेरे को क्या कराना है इस पैटर्न में इस 2 वाली बिट को टॉगल कराना है। तो एक काम करती हूँ मैं है ना 1 लेती हूँ और इस 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा देती हूँ 2 से। मतलब देखो 1 क्या होता है मेरा 0001 होता है, ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूँ तो ये इस तरीके से होता है। अब मैं इस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करा देती हूँ 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 0001 0 0 बन जाएगा। बिट तो आ गई हमारी 2 वाली पोजीशन पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पैटर्न में टॉगल कराना है उसको। तो यार जो भी मेरा पैटर्न है ना इसका मैं इसके साथ में क्या करा देती हूँ, जोर करा देती हूँ। तो देखो जोर में क्या होता है, अब देखो जोर में क्या होता है कि डिफरेंट के लिए, जोर में डिफरेंट बिट के लिए आंसर क्या होता है हमारा 1 होता है, और सेम बिट के लिए आंसर क्या होता है हमारा 0 होता है। तो देखो ये तो क्या है, अभी हम पहली डिजिट पे ही अपना काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, बट जब मैं 3 पे आऊंगी ना तो देखना तुम्हें समझ में आएगा। तो अब देखो मेरा पैटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ऐसा कुछ पैटर्न हो जाएगा हमारे पास बन के, ठीक है। तो देखो हमारा पैटर्न का क्या आ गया, देखो हमारी 2 वाली बिट अपने आप टॉगल हो गई, 2 वाली बिट अपने आप टॉगल हो गई, पैटर्न क्या बन गया हमारा 0001 00, ठीक है। अब आए 3 पे, अब हम 3 पे आए तो हमने क्या किया, दोबारा से 1 को लेफ्ट शिफ्ट कराया, किससे 3 से कराया। तो यार देखो 1 का पैटर्न ये होता है ना। अब मैंने क्योंकि इसे 3 से लेफ्ट शिफ्ट कराया तो 1 की पोजीशन कहाँ पे, सेट बिट कहाँ चल जाएगी, 3rd पोजीशन पे चल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये जो भी पैटर्न आया है ना इसको मैं जोर करा देती हूँ इसके साथ में। तो देखो अब देखना, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं पैटर्न के साथ में क्यों जोर करा रही हूँ, ताकि हमारी बिट्स क्या होती जाए, टॉगल होती जाए। देखो 2 वाली बिट तो वही रही क्योंकि 2 वाले का कोई डुप्लीकेट आया नहीं था, और साथ ही साथ हम कौन सी बिट ले आए, 3 वाली बिट को भी, मतलब 3 वाली पोजीशन पे भी हमने बिट को क्या करा दिया, टॉगल करा दिया। तो अब देखो ये क्या हो गया,
ऐसा हो गया, बनता जा रहा है हमारा पैटर्न, ठीक है। तो हमारा पैटर्न अब किस फॉर्म में कैसा ट्रांजिशन हो गया हमारे पैटर्न में, ऐसा हो गया। अब देखो दोबारा से हमारे पास थ्री आया, दोबारा से क्या आ गया हमारे पास में, थ्री आ गया। तो मैं वापस वन को लेफ्ट शिफ्ट करा दूंगी थ्री से, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो वन जीरो जीरो जीरो, इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अब मैं क्या कराती हूँ, मेरा पैटर्न क्या आया था, मेरा पैटर्न ये आया था, इसको मैं क्या करा देती हूँ, इसको मैं जोर करा देती हूँ। देखो जोर जैसे ही कराया ना, तो टू वाला तो वही रहा क्योंकि टू का डुप्लीकेट हमें नहीं मिला था, और थ्री वाला वापस से टॉगल होके ऑफ हो गया क्योंकि थ्री वाला हमें दोबारा से मिल गया, थ्री वाला हमारा दोबारा से मिल गया, तो हमने उसको वापस से टॉगल करा के क्या करा दिया, ऑफ करा दिया। अब हमारा पैटर्न देखो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, और पैटर्न हमारा कैसे बन गया, जीरो 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 वन जीरो जीरो बन गया। अब आगे कोई डिजिट है क्या, आगे तो कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या किया, हमने इस पैटर्न के अंदर चेक कर ली। अब देखो टॉगलिंग का काम तुम्हें समझ में आ गया हम कैसे कर रहे हैं। अब दूसरा काम क्या आता है हमारा, सिंगल बिट चेक करने का। दूसरा काम क्या आता है हमारा, सिंगल बिट चेक करने का। तो मैं यही पैटर्न लेती हूँ यहाँ पे कि पैटर्न क्या है मेरे पास में, अब जीरो 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 वन जीरो जीरो, ठीक है, यही पैटर्न लेती हूँ। अब यार देखो इसमें ए के बिट चेक करने के लिए तुम या तो लूप का यूज कर सकते हो 32 बिट के, ठीक है, और उसमें जाके देख सकते हो कि क्या वन है या नहीं, पर एक वन के लिए इतनी ज्यादा माथा पच्ची क्यों करनी है, हम लोगों को नहीं करनी चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम स्मार्ट प्ले करेंगे। मैं क्या करती हूँ, ये जो भी पैटर्न आया है इसका मैं क्या करती हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जीरो वाली बिट्स को वन बना दो और वन वाली को जीरो बना दो, ठीक है। मैं सारी जीरो वाली बिट्स को वन बना देती हूँ और एक वन वाली है इसको मैं क्या कर देती हूँ, जीरो बना देती हूँ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इसमें क्या ऐड कर देंगे, हम वन ऐड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या ऐड कर देंगे, हम वन ऐड कर देंगे, जो भी पैटर्न आएगा मतलब वन कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा उसमें वन ऐड कर देंगे। तो वन प्लस वन क्या होता है, जीरो, कैरी क्या चल जाएगी यहाँ पे, वन आ जाएगी यहाँ पे, वन प्लस वन जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, कैरी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब यहाँ पे वन हो जाएगा, बाकी सब जगह क्या होगा, हमारा वन आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ये जो भी पैटर्न है ना इसको एंड करा देती हूँ इस टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो देखना यहाँ पे एक जादू होगा, अभी देखना यहाँ पे क्या होगा, देख लो बाकी सारी एंड करवा रही हूँ मैं, बाकी सारी बिट्स तो क्या हो गई, ऑफ हो गई, और जिस पोजीशन पे मतलब जो बिट हमारी ऑन थी केवल वही ऑन रह गई हमारी, यहाँ पे क्या रह गई, ये बिट ऑन रह गई, बिल्कुल रह गई। तो अब मान लो ये हमारा न्यू पैटर्न आया, ये हमारा क्या आया, न्यू पैटर्न आया। तो देखना जब मैंने पैटर्न में से न्यू पैटर्न को क्या कराया, माइनस कराया, तो अगर वो इक्वल इक्वल जीरो आ गया हमारा, अगर वो हमारा इक्वल इक्वल जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारी सिंगल बिट सेट थी। इसका मतलब क्या है, सिंगल बिट हमारी सेट बिट थी, ठीक है। अब यार तुम बोलोगे कि यार पहले तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर उसमें हम लोग वन को ऐड करें, फिर हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेके आए, फिर हम ऐड कराएं उस टूज कॉम्प्लीमेंट का पैटर्न के साथ में, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो यार मैं बोलती हूँ ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुमसे क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ। अगर मान लो कोई नंबर एक्स है हमारे पास, तो इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है ना, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा माइनस एक्स। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जो भी तुम्हारे पास पैटर्न आया है ना, मतलब मान लो तुम्हारे पास पैटर्न आया है कुछ, तो तुम क्या करा दो, इसका एंड करा दो सिंपली किससे, माइनस ऑफ पैटर्न से। किससे एंड करा दो, माइनस ऑफ पैटर्न से, ठीक है। और अगर ये दोबारा से तुम्हारा पैटर्न के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी सिंगल बिट क्या है, सिंगल बिट ऑन है, ठीक है, सिंगल बिट सेट बिट है।
समझ में आ गया। तो यार देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें दोनों चीजें समझा दी कि टॉगल हम कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल बिट कैसे निकालेंगे, और देखो इवन इवन लेंथ के लिए तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि ये बात तो, ये सिंगल बिट की बात तो किसके लिए थी, ऑड लेंथ के लिए थी। इवन लेंथ के लिए तो तुम चेक कर लो ना कि अगर तुम्हारा पैटर्न जीरो आ गया, मतलब तुम्हारा इवन लेंथ का क्या है, इवन लेंथ का स्यूडो पैलिंड्रोम है, इवन लेंथ का स्यूडो पैलिंड्रोम है, समझ रहे हो तुम इस चीज को, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये जो भी समझाया मैंने यहाँ पे पैलिंड्रोमिक पार्टीशन के लिए, 32 बिट पैटर्न लेके आना, फिर उसमें बिट्स को टॉगल कराना अकॉर्डिंग टू डिजिट्स, फिर उसके बाद में सिंगल बिट के लिए चेक करना, जीरो के लिए चेक करना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसको इस ट्री में लगा के देखते हैं, यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ट्री दिया हुआ है, मैं ना यहाँ पे पैटर्न ले रही हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, पैटर्न लिया, वही हमारे कितने का, 32 बिट्स का, तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे 32 बिट का पैटर्न ले लिया। अब मैं यहाँ से चलना मैंने चालू किया, देखो रूट पे क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, रूट पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैंने इसको टॉगल करा दिया किससे, 1 से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ी, लेफ्ट में जाऊंगी मैं पहले, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 को मैंने टॉगल करा दिया किससे, 1 से, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ी, देखो क्या आ रहा है मेरा, वापस से 3 आ गया, इसको मैंने टॉगल करा दिया 0 से, ठीक है। आगे जाऊंगी, देखो लेफ्ट में गई मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नल पड़ा हुआ था, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से तो मैं दोबारा से आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आगे गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ से मैं दोबारा से किस पे लौट आई, इसी नोड पे लौट आई। अब मैंने यहाँ पे पूछा, अब मैंने यहाँ पे क्या पूछा कि क्या ये लीफ नोड है, तो लीफ नोड होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट का लेफ्ट क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल नल होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, रूट का राइट भी क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल नल होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो पैटर्न था मैंने पूछा कि क्या पैटर्न हमारा इक्वल इक्वल जीरो है क्या, तो यार ये तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इवन लेंथ, इवन लेंथ पैलिंड्रोम, स्यूडो पैलिंड्रोम, इवन लेंथ स्यूडो पैलिंड्रोम तो नहीं है। तो फिर मैंने सिंगल बिट के लिए चेक किया, किसके लिए चेक किया, सिंगल बिट के लिए चेक किया, सिंगल बिट आ गई, सिंगल बिट आ गई, तो हमने क्या दे दिया, हमने यहां से इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया, यहां से हमने क्या दे दिया इसका आंसर कि 1, कि मतलब ये तो क्या है, हमारा सिंगल बिट पैलिंड्रोम बना रहा है, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ जाऊंगी तो देखना क्या होगा, अब हम इधर जाएंगे तो पैटर्न वापस से वैसे ही बन जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, 1 वाली बिट को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, मतलब टॉगल कर देंगे। अब हम 1 के लेफ्ट में गए, कुछ नहीं मिला हमें, ठीक है, तो यहाँ से तो हम वापस आ गए, ठीक है, राइट में गए, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, यहाँ से हम वापस आ गए। अब देखो अब हम, हमारा क्या है, ये हमारी लीफ नोड है, तो ये कंडीशन तो सही हो गई, पर देखो यहाँ पे पैटर्न जीरो भी नहीं है और सिंगल बिट भी नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जब हमने 231 को चेक किया, तो यार ये तो हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम आया ही नहीं, स्यूडो पैलिंड्रोम बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या चल जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट तो क्या चल जाएगा, 1 चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, हमने इसकी बिट को क्या कराया, टॉगल कराया, फिर हम दोबारा से 1 पे आए, हमने इसकी बिट को क्या कराया, दोबारा से टॉगल करा दिया, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे गए, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं लेफ्ट में जाने पे,
तो यहाँ से तो देखो हम यहाँ पे भी नहीं गए थे ना, तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे भी हम जाके वापस आ जाएंगे। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो हम यहाँ से वापस आ गए। फिर राइट में गए, राइट पे भी कुछ नहीं था, यहाँ से भी हम लोग कहाँ आ गए, वापस आ गए। अब इसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। पैटर्न तो जीरो नहीं है, क्या ये पैटर्न जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, पर इसमें सिंगल बिट तो प्रेजेंट है ना, मतलब ये जो 211 है ना, ये हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम है, ये हमारा क्या है, स्यूडो पैलिंड्रोम है। तो हमने क्या करा दिया यहाँ से कि हाँ ठीक है, 211 तो हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, जीरो मिला, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस से कहाँ लौट आए, यहाँ पे लौट आए। और देखो हमारे कितने स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है, हमारे यहाँ पे दो स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है, ये हमारा आंसर। तो कितना सिंपल था, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, कि पहले क्या करो तुम, बिट पैटर्न निकाल के लेके आ जाओ, बिट्स को टॉगल करके, फिर उसके बाद में सिंगल बिट या जीरो को चेक कर लो, अगर दोनों में से कुछ भी आ गया, तो वो तुम्हारा स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है, नहीं तो फिर क्या करा दो, जीरो करा दो, वो तुम्हारा स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ नहीं है, ठीक है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, एक इंट बिट पैटर्न के लिए इनिशियली मैं जीरो ले लेती हूँ बिट पैटर्न को, और एक मैं फन फंक्शन यहाँ पे क्या करूंगी, कॉल करवाऊंगी, फन फंक्शन कॉल करवाऊंगी किसके लिए, रूट के लिए और बिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार जब रूट में ही कुछ नहीं होगा, तो कोई स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो भी हमारी बिट आई थी ना, उसको हमने टॉगल कराया। तो हम क्या कराते हैं, हम लोग पहले वन लेफ्ट शिफ्ट किससे कराते हैं, रूट की वैल्यू से, ठीक है। और फिर पैटर्न में लाने के लिए उसको क्या कराते हैं, पैटर्न में लाने के लिए हम उसको जोर करा देते हैं उस पैटर्न से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टॉगल करना बिट को, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, एक लेफ्ट आंसर बना लिया, क्योंकि जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज करा दिया, एक राइट आंसर बना दिया। लेफ्ट में मैंने किसको रिसीव कर लिया, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट प्लस, और फिर फन फंक्शन को कॉल करा दिया किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए, और क्या भेज दिया यहाँ पे हमने, बिट को भेज दिया, ठीक है। और राइट के लिए क्या किया, राइट प्लस हम लोग कहाँ गए, फन के रूट के राइट में, और क्या भेज दी, जो भी बिट पैटर्न था हमारा वो भेज दिया, ठीक है। अब अगर वो लीफ नोड हुई तो इफ रूट, क्योंकि हमारा पाथ कहाँ खत्म होगा, लीफ नोड पे खत्म होगा, तो रूट का लेफ्ट इक्वल इक्वल नल, एंड रूट का क्या राइट इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करा देंगे, हम लोग अब पैटर्न को चेक करेंगे। तो मैं ना एक काम करती हूँ, इस पैटर्न को एक बार ना टेम्प में ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं पूछूंगी एक बात कि क्या टेम्प मेरा इक्वल इक्वल जीरो है, ठीक है। ये किसके लिए, ये हमारा इवन लेंथ के लिए, किसके लिए, इवन लेंथ के लिए। तो यहाँ से तो मतलब वो पैलिंड्रोम आ गया, तो रिटर्न वन करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा टेम्प है उसको हम एंड कराएंगे किसके साथ में, माइनस ऑफ टेम्प के साथ में। अगर ये हमारा किसके इक्वल आ गया, जो पैटर्न था मतलब टेम्प था उसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा स्यूडो पैलिंड्रोम हो गया। और ये किसकी बात की हमने, ऑड लेंथ की बात की, ऑड लेंथ की बात की, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे किसको, हमारे लेफ्ट प्लस राइट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, आ रहा है हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है, दो ही आ रहा है, ठीक है। तो यार देखो कितना इजी था, पहले तो हम इतना सोच रहे थे कि यार पहले नंबर बनाएंगे, फिर परम्यूटेशन करेंगे, फिर उसके बाद में स्यूडो पैलिंड्रोम, फिर उसके बाद पैलिंड्रोम चेक करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इंट्यूटिवली सोच के बिट पैटर्न का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।